smart train to a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sluts, more bus. जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, देखो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स सभी करते हैं लगभग, फ्री फायर जितनी भी पब्लिक है सब करती है, तुम लोग भी करते होगे, बट तुम लोगों को पता नहीं है। आज मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं जो कि तुम कर रहे हो और जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर मानो मेरी बात, अगर तुम लोग वीडियो को एंड तक देखोगे ना, सच में भाई, सच में चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को शेयर भी कर दोगे, पक्का करोगे, ये तो 100% होगा ही। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे और विदाउट स्किप के लिए देखोगे तो पक्का आप शेयर करके ही जाओगे वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और एंड में तो भाई मतलब तुम लोग चेंज ही हो जाओगे एकदम से, ऐसा बात बताने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देखना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और कॉम्बिनेशन की फर्स्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तुम लोग करते ही करते हो और ये नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को, बहुत ही बेकार लगता है। तो पहला हमारा जो मिस्टेक है वो है, जो भी हमको फ्री बंडल मिलता है, मतलब कि जैसे हमको कोई फ्री बंडल मिला, जैसे BTS का ये बंडल मिला मेरे को, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा बंडल लेके खेलने लगते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी यार, ठीक है? आपको सवार करना है, थोड़े दिनों बाद पहन के खेला करो। देखो ऐसा होता है कि हमको जो बंडल फ्री मिलता है उसी को लेके खेलते हैं, और लगभग 90% पब्लिक उसी बंडल को लेके खेलती है। अभी तो ऐसे कि BTS के साथ बंडल है तो अलग अलग मिले सभी लोगों को, बट भाई सभी लोग वही कि वही बंडल पहन के घूम रहे हैं लॉबी में, गेम में ही वही है, तो कुछ यूनिकनेस नहीं आती है, उतना मज़ा नहीं आता है गेम खेलने में कि भाई सभी के पास वो बंडल है। आप उस बंडल को कब एक दो महीने बाद ट्राई करोगे तो भाई आपको न्यू जैसा लगेगा। हाँ मतलब एक दो निकाल के एक दो गेम खेल लो आप, उसके बाद भाई रख दो, फिर उसको एक दो महीने बाद पहनना मस्त लगेगा, और तुरंत पहनोगे तो भाई सभी लोग पहनते हैं यार। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा अलग सा लगता है, बेकार सा लगता है, तो ये वाली मिस्टेक मत करना यार कि मतलब जो भी बंडल मिला उसको लेके खेल रहा हो या फिर भाई पूरा बंडल पहन के खेल रहा हो। मैं मानता हूँ कि फ्री में जो चीज़ मिलती है उसको लेने का मजा ही कुछ और होता है, बट थोड़ा वेट कर लो, एक दो महीने बाद या एक दो हफ्ते बाद ही तुम उस बंडल को लेके खेलोगे ना तो अच्छा लगेगा, तो ये वाली मिस्टेक मत करना। अब बढ़ते नंबर सेकंड वाली कॉम्बिनेशन मिस्टेक की तरफ, जिसमें कि भाई दो मिस्टेक है, एक नहीं दोनों मिस्टेक में एक साथ बता देता हूँ। तो भाई नंबर सेकंड पे जो मिस्टेक है वो है भाई जूतों में, ठीक है? आप जूते कैसे पहनते हो, या फायर वाले, एनिमेशन वाले, ठीक है? फायर वाले और एनिमेशन वाले जितने भी जूते हैं आपके पास, भले ही उनमें आपने पैसा लगाया, बट भाई वो अवॉइड करो, बेकार लगते, मस्त नहीं लगते बिल्कुल भी। आप उनकी जगह क्या पहन सकते हो, आप भाई जो वाइट स्नीकर होते हैं वो पहन सकते हो, वाइट वाले जूते हैं आप वो पहन सकते हो, वो बहुत ही मस्त लगते हैं सच बताओ। या फिर चप्पल, आप एक दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ पहन लिया करो भाई, बेकार लगते हैं भाई एनिमेशन वाले जूते, बिल्कुल बेकार लगते हैं। ऐसे सभी बॉस को देख के तुम लोग इंस्पायर मत हो, बेकार लगते सच बता रहा हूँ। और भाई यही शर्ट के साथ है, आप एनिमेशन वाली जो शर्ट है या फिर जो बड़ी बड़ी शर्ट होती हैं उनको हमेशा अवॉइड करें, ऐसी जो शर्ट होती है उनको अवॉइड करें, ऐसे टॉप को अवॉइड करें, उसकी जगह है बंडल, बंडल जैसे भाई बिल्कुल चिपके हैं जो बॉडी से ऐसे, या फिर सिक्स पैक वाली बॉडी वाले ऐसे आप कपड़े पहन सकते हो भाई, जो बड़े बड़े हैं एनिमेशन वाले जो शर्ट है मत पहना करो यार, बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही बेकार लगती है सच बता रहा हूँ, बेकार, सबसे बेकार भाई यही चीज़ लगती है मेरे को फ्री फायर में, कि एनिमेशन वाले भाई जो शर्ट पहन के खेलते हैं ना, उससे भाई लैग भी करता है मोबाइल, ऊपर से भाई बेकार भी लगते हैं। नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन मिस्टेक की तरफ। तो देखो नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो फेस पेंट में है, तो सभी लोग भाई यहाँ से फेस पेंट यूज़ करते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे वाले फेस पेंट यूज़ करते हैं जो कि भाई बेकार लगते हैं। हाँ ये फेस पेंट तुम कब यूज़ कर सकते हो, जब आप ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ जो खतरनाक देखे, ठीक है? तो अगर आप नॉर्मल वाले कॉम्बिनेशन है भाई ये वाले को फेस पेंट लगा दे बेकार लगते हैं। आप ऐसे फेस पेंट लगाओ जिनमें कि सिर्फ आँखों का कलर चेंज हो, जैसे मैं पहनता हूँ जिनमें सिर्फ आँखों का कलर चेंज होता है, रेड आँखों का कलर, या फिर ये वाला मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे को फ्री में मिला था, सभी को मिला होगा ये फ्री में, तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आँखों का कलर चेंज करना है, आपने को भूत नहीं बनना है, ठीक है? आँखों का कलर सिर्फ चेंज करना है। ये भाई थर्ड कॉम्बिनेशन मिस्टेक है जो कि भाई बहुत सारे बंदे करते हैं, और मैंने देखा है लगभग 50% लोग तो ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक करते हैं, बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो भाई समझदार है, वो लोग नहीं करते। और भाई मत किया करो, जो भूतों जैसे फेस पेंट है वो मत लगाया करो, बेकार लगते हैं, अच्छा नहीं लगता यार, बेकार, सबसे बेकार लगते हैं भाई मेरे को तो। अब भाई मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, ये कुछ कॉम्बिनेशन मिस्टेक नहीं है, बट मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम लोगों से बात करने की, तो फाइनली यार कर रहा हूँ। देखो फ्री फायर में जितने भी यूट्यूबर लोग हैं ना, जितने भी रिच प्लेयर हैं, उनसे देख के भाई तुम लोग इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, तुम लोग गेम में पैसे मत लगाया करो, ठीक है? हाँ 29 वाला एयरड्रॉप परचेस कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है,
अगर भाई तुमको यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आ रही है या फ्री फायर के जरिए किसी भी तरीके से तुमको कोई इनकम नहीं आ रही है तो तुम लोग गेम में पैसा बिल्कुल ही मत लगाओ। गेम में पैसा लगाते हैं लोग, इनकी भाई साइकोलॉजी क्या होती है कि ये लोग दूसरों को अपना दिखाना चाहते हैं पैसा, कि ये देखो मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये वाला इमोट है, इस कार वाला सब इमोट है मेरे पास, ठीक है। ये किन लोगों को बता रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी ये होती है, ये उन लोगों को बताते हैं अपनी अमीरी, जिनमें से लगभग 99% लोग इनको कभी रियल लाइफ में मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे रियल लाइफ में। ऐसे लोगों को ये अपनी बताते हैं, मतलब दिखावा होता है। तो देखो यार, अगर तुम लोग भी ये मिस्टेक कर दे तो मत किया करो यार, दिखावा मत किया करो। एक दिखावा के चक्कर में तुम लोग गेम में पैसे लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अमीर हो बहुत ज़्यादा, तो बहुत अलग है। अगर भाई तुम्हारा जो फैमिली है वो मिडिल क्लास है, तो यार ये चीज़ मत किया करो यार, पैसा ऐसा मत लगाया करो ज़्यादा गेम में, बिल्कुल भी बेकार चीज़ है ये। अपना सेल्फ डेवलपमेंट में लगाओ, अपनी पढ़ाई में लगाओ, या फिर भाई गेम में कपड़े खरीदने, अच्छा रियल लाइफ में कपड़े खरीदो ना भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई मज़ा आ जाएगा। मैं ही बताऊँ ना, मैंने लगभग 2 महीने स्टॉप अप नहीं किया। तुम लोगों को लग रहा होगा तुम्हारे पास डायमंड है, बट मैंने 2 महीने स्टॉप अप नहीं किया है, और भाई मेरे पास इतना पैसा सेव हो गया, मतलब कि मेरे पास पैसा सेव हो गया। सोचो मैं 2 महीने से, लगभग मैं 2 महीने में लगा देता 4,000 रुपये, तो 4,000 मैंने सेव कर लिया। अगर मैं 4,000 के भाई कपड़े ले लूँगा ना, तो भाई एक नंबर लगेगा एकदम, मतलब क्लास उठ जाएगी तुम लोगों की, तो ठीक है। तो रियल लाइफ में पैसे खर्च करो तो अच्छा लगता है भाई। गेम में आप 1 दिन 2 दिन पैसे लगाओगे, 1 साल 2 साल लगाओगे, उसके बाद भाई आप ज़िंदगी भर थोड़ी ना पैसे लगाते रहोगे। तो ये चीज़ आपको अभी समझनी होगी, आप मत लगाओ, ज़्यादा पैसे मत लगाओ। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को रियलिटी नहीं पता है जो फ्री फायर कम्युनिटी, उसके पीछे बहुत सारे लोग दूसरों की आईडी में टॉप अप करके रिफंड मान लेते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर सब ले लेके, जो स्पॉन्सर से ज़्यादातर फ्रॉड होती हैं, उनको दे दे के भाई पैसे कमाते हैं। भाई इनका मतलब पैसे कमाने का कुछ तरीका ही नहीं है, एकदम इन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं, जमीर बेच दिया है, ठीक है, अपना ईमान बेच दिया है। तो ऐसे लोगों से क्या इन्फ्लुएंस होना, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बहुत ही मतलब कि गिरी हुई हरकत कर देते हैं, स्कैम करते हैं सब्सक्राइबर्स लोगों के साथ आईडी सेल के नाम पे। भाई फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा गंदगी है यार, तो दूसरे लोगों से कभी इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, ऐसे लोगों से खास कर मत हुआ करो जो कि भाई फ्रॉड है। भाई बहुत सारे लोग हैं यार जो मतलब ग्रैंड मास्टर जाते हैं फ्रॉड तरीके से, और भी फ्री फायर में कई तरह के स्कैम हो रहा है, सुपर चैट के नाम पे स्कैम कर रहा है, मतलब बहुत ही अलग लेवल पर फ्री फायर की अभी कम्युनिटी चल रही है, बहुत ही गंदगी भर चुकी है फ्री फायर कम्युनिटी में। लगभग 70% यूट्यूबर जो हैं वो फ्रॉड हैं फ्री फायर कम्युनिटी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखा, सब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, सब पास्ट में गलती कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, कुछ सुधर गए हैं, कुछ अभी भी गलतियां कर रहे हैं। तो यही भाई मैं बात बोलना चाहता हूँ यार तुम लोगों से, कि फ्री फायर में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि भाई तुमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वो सब दिखावा करते हैं, और तुम लोग उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो, गेम में पैसा लगाते हो, स्कैम हो जाता है तुम्हारे साथ कई बार। तो देखो यार, थोड़ा मैच्योर बनो, थोड़ा समझदार बनो, यही बोलना चाहता हूँ मैं। और बाकी भाई अब तुम लोग कमेंट में बताना कि ये मैंने सही किया कि नहीं। भाई मैं चाहता तो कॉमी से मिस्टेक बना के बता के चला जाता, बट मैंने सोचा यार कि तुम लोगों को थोड़ा रियलिटी बताई जाए, और तुमको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और अभी तक शेयर कर दिया होगा, आई होप तुम लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो यार कर देना शेयर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।